हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका फीमेल सुपरवाइजर का जितना भी जीके का पोर्शन था, तो ऑलमोस्ट हम उसको कंप्लीट करके आए हैं। यहाँ पे 60 क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका जीके का सेशन है। तो उसमें जो स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसका भी जो है हमने यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन करा है। तो करेंगे स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट लाइक भी जरूर करिएगा, और अपना स्कोर जो है कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपका स्कोर जो है क्या रहा। तो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन जो है। आज हम जो है पेपर टू लेके आए हैं, जिसमें आज आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज सब डिवाइडेड इनटू। तो यहाँ पे आपने बताना है, ठीक है? देखिए, आप जो है अपना अपना आंसर खुद से मार्क करिए, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है निकालिए, और टोटल स्कोर जो है आपका क्या होगा तो वो जो आपने कमेंट सेशन में बताना है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है, 14 पार्ट, ठीक है? 14 पार्ट और 5 शेड्यूल एंड 103 सेक्शन, ठीक है? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी जो है 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है? 14 पार्ट हैं जो है, 5 शेड्यूल हैं, ठीक है? 103 सेक्शंस हैं जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, ठीक है? तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईएनसी कंडक्ट इन 1885, ठीक है? तो 1885 में ही जो है आईएनसी जो है इस बनी है, ठीक है? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में बनी है। किन्होंने बनाई है? ए ओ ह्यूम के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है? और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पहली मीटिंग जो है आईएनसी की 1885 में कहाँ पे कंडक्ट की गई थी, ठीक है? दिल्ली में करी गई थी, कोलकाता में, मुंबई या फिर मद्रास में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज मुंबई, ठीक है? मुंबई में जो है पहली मीटिंग हुई थी आईएनसी की इन 1885 में, ठीक है? नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे आपने बताना है कि पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूटी का कौन था, ठीक है? कौन बना था? सत्यपाल मलिक बने थे, जीसी मुर्मू बने, आर के माथुर, या फिर जो है पंकज मिथिल। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीसी मुर्मू, ठीक है? फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, भजन सोफोरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएट विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा, संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, छोटा अमरनाथ केव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पे आपने छोटा अमरनाथ केव बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है? जम्मू में है, गंदरबल, रामबन, या फिर जो है बांडीपुरा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बांडीपुरा, ठीक है? बांडीपुरा में छोटा अमरनाथ केव है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, छठ पूजा इज द फेस्टिवल ऑफ विच गॉड, ठीक है? छठ पूजा जो होती है वो किस गॉड का जो है फेस्टिवल है, ठीक है? सन का है, मून का, अर्थ, या नन ऑफ द अबो। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज सन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, पेंडरेथन इन राजतरंगनी रेफर टू द प्रेजेंट डे, जम्मू, श्रीनगर, पहलगाम, या फिर ले। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है? श्रीनगर। ओल्ड सिटी जो श्रीनगर की थी उसको पेंडरेथन कहा जाता था, और इसको किसने बनाया था? अशोका के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, ठीक है? ये चीज भी आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज फेमस इन अधमपुर। अधमपुर में आपने बताना है कि कौन सा फूड जो है फेमस है।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज कलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन द कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन। तो यहाँ पे जो कश्मीरी वैली में जो है पहली ट्रेन जो रन हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो बताना आपने। बडगाम एंड अनंतनाग, अनंतनाग एंड श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर, या फिर डोडा एंड अनंतनाग। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बडगाम एंड अनंतनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट जीआई टैग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इनमें से जम्मू एंड कश्मीर में जीआई टैग किसको मिला है। ठीक है, भद्रवाही राजमा को मिला है, बसोली पश्मीना को मिला है, रामन सुलाई हनी को मिला है, या फिर जो ऑल ऑफ दिस, ये सभी, इन सबको जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, भद्रवाही राजमा और जो है सुलाई हनी जो है ये जो है रामबन का है। ठीक है, इनको जीआई टैग मिला है, ये भी आपने नोट करना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, डोगराज एथनिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीजन बिलोंग टू। ठीक है, जो डोगराज ग्रुप था वो किससे बिलोंग करते थे, आर्यन से, बुद्धिस्ट, ठीक है, गद्दीज, या फिर जो है बोतास। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो यहां पे आपने बताना है कि किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है क्या थी, एक बॉडी थी किसकी, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की। तो राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड कजिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, या फिर जो है अरबिंदो घोष। तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पे आपने बताना कि इनमें से जो है एंशियंट इंडस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी थी, आयरन ओर की थी, पेपर की, सिल्क टेक्सटाइल की, या फिर कॉटन टेक्सटाइल की। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, सिल्क टेक्सटाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ INC कंडक्टेड इन 1885। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये जो है कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये हमने अभी पीछे जो है डिस्कस करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द हरी पर्वत फोर्ट वाज बुलेट बाय। तो जो हरी पर्वत फोर्ट है इसको किसके द्वारा बुलेट करा गया था, हरी सिंह के द्वारा, टोडरमल, अकबर, या फिर अता मोहम्मद खान। तो हरी पर्वत फोर्ट जो है ये किसके द्वारा बुलेट करा गया था, अता मोहम्मद खान के द्वारा। ठीक है, ये कौन थे, ये एक अफगान गवर्नर थे। ठीक है, ये भी जो है आपको देख लेना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो यहां पे आपने बताना है कि कौन जो है डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो है एक क्या है, सेक्युलर स्टेट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीम्बल, यूनियन लिस्ट, या स्टेट लिस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रीम्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज हेल्ड ऑन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग आपने बताना है कि J&K की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कमेटी जो कहाँ पे कब हेल्ड करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर मार्क करना है आपने। देखिए JKSSB जो है किसी की तरह के भी जो है क्वेश्चन आपको पूछ सकती है, आपको सभी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 31st of October इन 1951 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दैट नो वन कैन बी कंपेल्ड टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन।
तो यहां पे आर्टिकल बताना है आपने, तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 27 है, 28 है, 17 है या 29 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग चिनार ट्री इन कश्मीर। ठीक है, तो यहां पे आपने बताना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंट्रोड्यूसिंग चिनार ट्री इन कश्मीर। तो राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर है, गुलाब सिंह है, हरि सिंह है या फिर अकबर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अकबर। 1586 में जो है अकबर जब वैली में आए थे तो यहां पे इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, चिनार ट्री को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, ठीक है, हैव बीन बोरोड फ्रॉम। तो आपने यहां पे बताना है कि जो डीपीएसपी है कहां से लिया गया है इसको। ठीक है, स्पेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो है यूआईके या यूके आप मान लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कहां से लिया गया है, आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेडिंग विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। यहां पे आपने बताना है कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेडिंग, तो वो कश्मीर में उन्होंने विजिट करा था, किसके टाइम में करा था वो टाइम आपने बताना है। ठीक है, गुलाब सिंह के टाइम में, हरि सिंह, प्रताप सिंह या फिर जो है जोरावर सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलाब सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 343 है, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 51A। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चिनाब रिवर। तो यहाँ पे आपने बताना कि ओरिजिन जो है चिनाब रिवर का कहाँ से होता है। ठीक है, श्रीनगर से होता है, हिमकुंड से होता है, लाहौल या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौल। ठीक है, लाहौल कहाँ पे है, ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी आपने देखना है। और देखिए, अगर आपको माउंटेन या पासिस पूछे जाएंगे तो चिनाब रिवर जो है ओरिजिनेट कहां से होता है, बारालचा पास से। ठीक है, बारालचा पास, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। तो और देखिए यहां पे चंद्रा और भागा, ये दो स्ट्रीम जो है ये कहां पे, ये कांडी में जो है मीट करते हैं, वहां से जो है आगे चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच इज द हाईएस्ट पीक इन एंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, एंडोमान निकोबार आइलैंड की आपने हाईएस्ट पीक बतानी है कौन सी है। ठीक है, माउंट कोया है, माउंट टेबो है, सैडल पीक है या फिर जो है अनामुडी पीक है। ठीक है, तो कौन सी पीक जो है हाईएस्ट पीक है एंडोमान निकोबार आइलैंड की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, सैडल पीक। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, मानसबल इज फेमस फॉर। ठीक है, जो मानसबल लेक है ये किसके लिए फेमस है। देखिए, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और यहां से आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि मानसबल लेक जो है फेमस किसके लिए है, रोज के लिए, लोटस, ठीक है, जूही या फिर एप्पल के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोटस। ठीक है, लोटस के लिए जो है मानसबल लेक जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द एंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच वाटर बॉडी। तो कौन सी वाटर बॉडी से जो है एंडमान सेपरेट होता है किससे, निकोबार से। तो यहां पे देखिए, ये भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए है आपका 11 डिग्री चैनल,
ऑप्शन बी है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है, पालिक स्ट्रेट या फिर जो है गुल्फ ऑफ मीनार। तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा, 11 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 10 डिग्री चैनल, ठीक है, यहां पे ए नहीं बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हु गेट द फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन जेंट के ऑन द साइंटिफिक लाइन। तो पहला असाइनमेंट यहां पे आपने बताना है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जम्मू एंड कश्मीर में, किस पे, साइंटिफिक लाइन पे। तो यहां पे कौन था वो, ऑप्शन ए है आपका वाल्टर लैवरेंस, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका टेंडले बैको, ऑप्शन सी है आपका जेम्स थॉम्पसन एंड ऑप्शन डी है आपका टोडरमल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्टर लैवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एज पर सेंसिस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, ठीक है, तो 2011 की जो सेंसिस हुई थी उसमें लिटरेसी रेट जम्मू एंड कश्मीर का क्या था। तो अपना अपना राइट आंसर मार्क करिए, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा 67.16%, ठीक है, तो ये जो है लिटरेसी रेट था जो 2011 की जो सेंसिस हुई थी इसमें जे एंड के का लिटरेसी रेट 67.16% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हु अबॉलिश बैगर सिस्टम फोर स्लेवर, ठीक है, बैगर सिस्टम क्या होता है, फोर स्लेवर मान लीजिए इन जम्मू एंड कश्मीर में जो है बैगरी सिस्टम को जो है किसने अबॉलिश किया था। रंजीत सिंह ने किया था, प्रताप सिंह ने, जहांगीर ने, ठीक है, या फिर अहमद शाह ने। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, प्रताप सिंह, ठीक है, और स्टार्ट किसने किया था, गुलाब सिंह ने, ठीक है, उससे पहले भी था डोगरा रूल में गुलाब सिंह ने। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको स्किप कर दीजिए। तो यहां पे आपने यही देखना है कि बैगरी सिस्टम जो है ये फोर स्लेबर जे एंड के में जो है किसने अबॉलिश करा था, वो प्रताप सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ डेमोग्राफी। तो किसको कंसीडर करा गया है फादर ऑफ डेमोग्राफी। तो अपना अपना राइट आंसर मार्क करिए, राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी जॉन ग्रैंट। ठीक है, इनको जो है फादर ऑफ डेमोग्राफी का जो है कंसीडर करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश। तो आपने बताना है कि कौन से ईयर में हाईकोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है एस्टैब्लिश हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, 1928 में, 1934 या फिर 1957, एंड ऑप्शन डी है आपका 1948। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1928। ठीक है, 1928 में जो है जम्मू एंड कश्मीर का हाईकोर्ट जो है एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एज पर इंडिया सेंसिस 2011 विच ऑफ द 22 लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन द 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्पोकन बाय द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो यहां पे जो है सबसे कम लोगों की जो है बोले जाने वाली लैंग्वेज आपने बताना है कौन सी है, संस्कृत है, नेपाली है, सिंधी है, फिर या कश्मीरी है। राइट आंसर क्या होगा, वो जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31 है, विच फेमस सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे इनमें से आपने बताना है कि, ठीक है, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है टेम्पल है फेमस, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मदिरा सन टेम्पल है, मर्टन सन टेम्पल है, कोनाक सन टेम्पल है, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, मर्टन सन टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट अ नेचुरल फाइबर यूज फॉर मेकिंग सेक्स एंड बेग। ठीक है, तो स्टेट आपने बतानी है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट की, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब या फिर केरला। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग सैफ्रॉन क्रॉप। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी सॉइल जो है अच्छी होती है, जिसमें किसको ग्रो किया जाएगा, सैफ्रॉन क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ठीक है, क्ले है, सैंडी, ठीक है, लोमी, या फिर जो है क्रेवा। तो राइट आंसर क्या होगा, अपना अपना राइट आंसर मार्क करिए। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, करेवा। करेवा सॉइल जो है ये सूटेबल होती है किसकी, सैफ्रन को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में आपने बताना कि किस तरह की सॉइल पाई जाती है। ठीक है, एलोवाइल सॉइल होती है, लिटरेट सॉइल, रेड सॉइल, या फिर जो है फॉरेस्ट सॉइल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एलोवेल सॉइल जो है नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर इज आल्सो नाउन एज कल्टीवेटर पैराडाइज। तो कौन सा टेम्परेचर, आपने ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन बतानी है कश्मीर की, जिसको क्या कहा जाता है, कल्टीवेटर पैराडाइज माना जाता है। ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, टेम्परेट वैली ऑफ, ठीक है, टेम्परेट कश्मीर वैली, कोल्ड एरिड डिजर्ट एरिया ऑफ लद्दाख, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, टेम्परेट कश्मीर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम टी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो कॉलोनियल टाइम में आपने बताना है, कॉलोनियल टाइम में जो है टी को इंट्रोड्यूस करा गया था इंडिया में, तो वो जो है कहां से, किस कंट्री से लाया गया था। ठीक है, कजाकिस्तान से, अफगानिस्तान, यूएसए, या फिर ऑप्शन डी है आपका चाइना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ही जो है आपका राइट आंसर है, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सैफ्रन कल्टीवेशन इज यूनिक टू जम्मू एंड कश्मीर, द अदर कंट्री प्रोड्यूसिंग द सैफ्रन क्रॉप इज। इटली है, चाइना, ईरान, या फिर जो है जर्मनी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, ग्लोबली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज क्वीन ऑफ सीरियल। तो क्वीन ऑफ सीरियल जो है किसे कहा जाता है, राइस को, मेज को, वीट को, या फिर जो है नन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी टूरिस्ट प्लेस है जिसको मिनी कश्मीर कहा जाता है, भद्रुआ है, सनासर है, पत्नी टॉप है, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भद्रुआ। भद्रुआ को जो है मिनी कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1157 किलोमीटर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया है, एशिया का जो पहला क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो है, इसने डिस्टेंस कवर करा है 1157 किलोमीटर, और ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया है ये बताना है आपने। ठीक है, भारत पेट्रोलियम के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या फिर नन ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ पत्नी टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे पत्नी टॉप जो है उसका ओरिजिन बताना है, नेम का, इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ पतंदा तालाब। ठीक है, इस कहां से लिया गया है, पतंदा तालाब से जो है पत्नी टॉप का नाम लिया गया है। ठीक है, और ये रेफर क्या करता है, आपने रेफर बताना है, पोंड ऑफ प्रिंसेस, पोंड ऑफ फ्रेश वाटर, पोंड ऑफ माउंटेन, या फिर जो है आपका पोंड ऑफ फ्लावर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा, पोंड ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है,
इन इनसेट, ठीक है, INSAT स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे बताना है कि INST जो है स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल, इंडिया नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल स्टारलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, या फिर जो है इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होगा, INSAT। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज नाउन एज सिटी ऑफ लामास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी टूरिस्ट प्लेस है जिसको सिटी ऑफ लामास कहा जाता है, लेह है, करगिल है, तिब्बत है, या फिर नन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राजिंग फूड चेन। तो यहाँ पे आपने ग्राजिंग फूड चेन बताना है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, ग्रास, रैबिट, फॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी प्रोहिबिट रिजर्वर स्टोरेज ऑफ वाटर ऑन द मेजर रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर अपना अपना मार्क करिए, साइनो इंडियन ट्रीटी था, इंडस वाटर ट्रीटी है, झीलम वाटर ट्रीटी, या फिर इंडो पाक रेजोल्यूशन ऑन वाटर शेयरिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 से आपका, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर काज, देखिए जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है उसका काजेज क्या होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, या फिर जो है ब्रीस्ट कैंसर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट यूटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पहला विंड पावर प्रोजेक्ट जो है यूटी का विल बी इंस्टॉल्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए ये जो विंड पावर प्रोजेक्ट है आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा जो है इसको इंस्टॉल करा गया है, तो वो जो है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इंस्टॉल करा गया है, और यहाँ पे पूछा गया है आपको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका डोडा, रियासी, कठुआ और सांबा। तो राइट आंसर क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल होता है, अनडायरेक्शनल, इन एनी डायरेक्शन, या फिर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, अनडायरेक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 आ जाएगा आपका, डच्चीगाम नेशनल पार्क इज मोस्ट फेमस फॉर। तो डच्चीगाम नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है, हंगुल के लिए है, लीपॉड के लिए, ठीक है, पाइगोमी ओल्स के लिए, या फिर जो है मेवेट के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हंगुल, ठीक है। डच्चीगाम नेशनल पार्क फेमस किसके लिए है, हंगुल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, द राज तरंगनी बाई कहलाना इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है। जो राज तरंगनी थी, ठीक है, 1148 में जो है इसको रिटन करा गया था, किसके द्वारा, कहलाना के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी लैंग्वेज में जो है इसको रिटन करा था, पर्शियन में करा था, संस्कृत, ठीक है, लोकल डायलेक्ट डायलेक्ट्स में, या फिर जो है उर्दू लैंग्वेज में। तो कौन सी लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में जो है इसको रिटन करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो 2019 में हुआ था, जिसमें क्या एबॉलिश क्या करता है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो यहाँ पे आपने सेक्शन बताना है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 48 है, सेक्शन 57 है एंड ऑप्शन डी जो है आपका सेक्शन 60 है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेक्शन 67। ठीक है, ये एबॉलिश करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, सेक्शन 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपने बतानी है जो कश्मीर में हेल्ड करवाई गई थी, तो किसके द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, अशोका के द्वारा, कृष्णा के द्वारा, ठीक है, दामोदरा के, या फिर जो है जलुका। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्का के द्वारा। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर में हुई थी कनिष्का के द्वारा। ठीक है, कहां पे, कुंडलवाना में। ठीक है, कुंडलवाना में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 53 है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से डेट द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो है सेक्शन है जो बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या कर सकती है, लॉ को बना सकती है ऑन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, कंटेनेड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पॉलिस एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे सेक्शन बताना है आपने, तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 14(1) है, ठीक है, सेक्शन 28 है, सेक्शन 32 है, या फिर ऑप्शन डी जो है आपका सेक्शन 41 है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, सेक्शन 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो अफगान गवर्नर आपने पहला बताना है कश्मीर का कौन सा था, अब्दुल्ला खान था, अब्दुल्ला हसन है, ठीक है, सुख जीवन है, या फिर जो है आजिम खान है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, अब्दुल्ला खान आशिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जो थे अफगान के कश्मीर वैली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन। तो यहाँ पे आपने बताना है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है कब साइन करी गई थी। ठीक है, मार्च 15, 1843 में, मार्च 16, 1846, मार्च 1847 में, या फिर जो है मार्च 20, 1850 में। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्च 16, 1846। ठीक है, तब जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल अब्दीन इन कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान। ठीक है, तो आपने बताना कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो इंट्रोड्यूस करा गया था सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन के द्वारा कश्मीर वैली में, जो उन्होंने कहाँ से लाया था, तुर्किस्तान से लाया था। ठीक है, तो शहनाई थी, रबाब था, सियारत थी, या फिर जो है टूटी थी। तो कौन सा था, वो जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रबाब। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन ने इंट्रोड्यूस करा था कश्मीर वैली में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, विच माउंटेन रेंज इज फेमस एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो कौन सा माउंटेन रेंज जो है फेमस है किसके लिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के लिए। जंस्कार रेंज है, ठीक है, कुनलुन रेंज है, करकोरम रेंज है, या फिर शिवालिक रेंज। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है किसे कहा जाता है, वो जो है करकोरम रेंज को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टंडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रोड टंडल आपने जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्गेस्ट बताना है, कौन सा है, जुआ टंडल है, चिनेनी नाशरी टंडल है, ठीक है, नंदनी टंडल है, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर अपना अपना मार्क करिए, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिनेनी नाशरी टंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, द चिनेनी नाशरी टंडल लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे देखिए, चिनेनी नाशरी टंडल से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कौन से माउंटेन रेंज में जो है चिनेनी नाशरी टंडल आता है। ठीक है,
अपना अपना राइट आंसर मार्क करिए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है शिवालिक रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आज आपके इस सेशन का। जामा मस्जिद इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाय, तो जामा मस्जिद जो श्रीनगर में है उसको किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन बी है आपका शामीर, ऑप्शन सी है आपका जब्बर खान एंड ऑप्शन डी जो है आपका औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या है, जामा मस्जिद को किसके द्वारा बनाया गया है जो श्रीनगर में है, वो जो है सुल्तान सिकंदर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आगे हम आपके लिए दो क्वेश्चन जो है वो होमवर्क लेके आए हैं, तो उनका जो है आंसर आपने कमेंट सेशन में बताना है कि उनका राइट आंसर जो है क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है क्या है, उसमें से क्वेश्चन जो है आपका 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑल्सो नोन एज छोटा काशी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ देविका। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी प्लेस जो है जिसको छोटा काशी के नाम से जाना जाता है और लोकेटेड कहाँ पे है, ऑन द बैंक ऑफ देविका रिवर। ठीक है, तो ये जो है आपका होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, इन जम्मू एंड कश्मीर विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी जो है आपका होमवर्क है, तो यहीं पे आज का वाइंड अप करेंगे वीडियो को। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, और कमेंट लाइक्स भी जरूर करिए। तो यहीं पे करेंगे वाइंड अप, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।